हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी में आठवां लेशन है प्राथमिक व्यवसाय। उसमें बहुत प्रकार के व्यवसाय है, अधिकांश अपने पढ़ लिए हैं और उसमें से एक व्यवसाय है खनन। तो खनन है खनिजों का जो दोहन करना है, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और प्राचीन समय से ही खनिजों का जो खनन है, दोहन है, उत्खनन है, उस होता आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की तकनीकी आवश्यकताएं, बाज़ार में उत्पादित जो वस्तुएं हैं, इस प्रकार की बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जो मांग है, ये खनिजों की और यानी कि उपयोगिता को बढ़ा देती है। खनिज जो होते हैं वो एक यानी प्राकृतिक और रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं, और जिसमें रासायनिक और प्राकृतिक रूप से भौतिक गुणधर्म पाया जाता है। खनिजों को निकालना या खनन करना जिस क्षेत्र में किया जाता है उसको अपन खान कहते हैं। विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों के अंदर जो असमानताएं हैं, वितरण के अंदर असमानताएं हैं, यही असमानताएं विश्व के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर आधार बनता है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में खनिज है वो जाने जाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो यानी मानव की क्रियाकलापें हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इन एक्टिविटीज़ इन खनिजों पर आधारित है। देश का विकास इन खनिजों पर आधारित है। जितने भी प्रोडक्ट उत्पादन वगैरह वस्तुएं जो भी यूटिलाइज हो रहा है उसका एक आधार है वो खनिज है। इसीलिए खनिज किसी भी देश की आर्थिक विकास का एक आधार होते हैं। और ये जो इनके संबंधी असमानताएं हैं, ये असमानताएं विश्व के अंदर सभी देशों के अंदर पाई जाती है। खनिजों का इतिहास देखें तो इनके खोज की कई प्रकार की अवस्थाएं हैं। विभिन्न समय के अंदर अलग अलग खनिजों की खोज होती रही है और उसी के नाम पर वो पीरियड है, वो युग है, वो जाने गए हैं। जैसे पाषाण युग है, जहाँ पे पत्थरों के औजार वगैरह बनाए जाते थे तो उनको अपन पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ताम्र युगीन आया है, जहाँ पे तांबे से संबंधित जितनी भी औजार वस्तुएं बनाई जाती थी उनकी खोज हुई। इसके बाद में कांसा लोहा युगीन, ये जो विभिन्न पीरियड है इनका अध्ययन अपन इतिहास में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं में भी पढ़ते हैं। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं हैं, ये ज़्यादातर यानी कि लो युगीन या ताम्र युगीन सभ्यताएं थी। जैसे अपन के राजस्थान में गणेश्वर की सभ्यता है जो ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब है कि प्राचीन समय में भी विभिन्न खनिजों का ज्ञान था और बहुत सारी खनिजों की खोज भी हुई थी। उन खनिजों से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी, औजार बनाए जाते थे जो इन सभ्यताओं में पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा किसी भी देश की सभ्यता और आर्थिक जीवन का जो मापदंड है वो इन खनिजों के द्वारा ही तय होता है। खनिजों की मात्रा और उपयोग के द्वारा तय होता है, क्योंकि यही खनिज है वो उद्योग और व्यवसाय जगत की धुरी कहलाते हैं। और किसी भी देश की ये प्राकृतिक संपदा होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो यानी कि ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको अपन शक्ति के संसाधनों का आधार स्तंभ कहते हैं। उनमें से कोयला और पेट्रोलियम है, ये ऊर्जा संसाधन है और ये शक्ति के आधार स्तंभ कहलाते हैं। अब इन खनिजों के अंदर जो खनन कार्य है, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो खनन कार्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और इन
खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करें कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक है उनमें से दो यानी कि कारक है जिसमें एक तो प्राकृतिक दशाएं हैं और मानवीय दशा है। खास करके खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं हैं ये ज़्यादा प्रभावित करती है। इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत जिनमें सबसे पहले हैं खनिजों का भंडार की स्थिति। देखो खनन कार्य हमेशा खनिजों की भंडार की स्थिति पर डिपेंड करता है कि कौन से खनिज का भंडार कितनी मात्रा में है और कितनी गहराई में है, उसका उत्खनन है वो उसकी जो वैल्यू है उससे कम है या ज़्यादा है, तो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मांग क्या है, वह कितनी मात्रा के अंदर है, वह कितनी गहराई के अंदर है, ये खनन कार्य को प्रभावित करता है। कुछ ऐसे खनिज हैं जो बहुत गहराई में हैं या कम समय में या कम स्थान पर स्थित है जिसको अपन कहते हैं एकल संसाधन। तो एकल संसाधन है जैसे कोलाइट है वो, यानी क्रोलाइट है वो एकल संसाधन है। कौन सा है? क्रोलाइट। तो क्रोलाइट है वो यानी कि एकल संसाधन है, यानी कि एक ऐसा स्थान है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड, जहाँ इनके भंडार पाए जाते हैं। अब इसका उत्खनन है वो प्रभावित होगा क्योंकि इस खनिज को निकालना, बाजार में इसकी वैल्यू है या कितनी डिमांड है, उसकी निकालने प्रोसेस में कॉस्ट रेट क्या आती है, ये सारी स्थितियां हैं वो खनन कार्य को प्रभावित करती है। इसके अलावा दूसरा जो का प्रभावित करने वाला कारक है कि खनिजों की कोटी यानी उसकी श्रेणी, गुणवत्ता की श्रेणी क्या है, कौन सी कैटेगरी के खनिज है, उच्च कैटेगरी के हैं, निम्न कैटेगरी के हैं, बाजार की मांग के अनुसार उसकी कैटेगरी क्या है, ये भी खनन कार्य को प्रभावित करती है। यदि कुछ ऐसे खनिज होते हैं बहुत मूल्यवान होते हैं, अल्प मात्रा के अंदर होते हैं, जैसे एक उदाहरण अपन देते हैं राजस्थान से संबंधित है टंगस्टन बहुत मूल्यवान खनिज होता है और इसकी उच्च क्वालिटी का टंगस्टन है, ये बहुत कम जगह पे ही अल्प मात्रा में मिलता है। राजस्थान के डेगाना में टंगस्टन का उत्खनन होता है, अभी उसका बंद हो गया है। तो इसकी जो कोटी है हाई कोटी का है और जहाँ पे भी गहराई में होता है तो इसको खनन कर दिया जाता है, तो ये भी खनन प्रभावित करता है। उसकी कोटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, खनिजों की जो मात्रा और प्रकार है, खनिजों की मात्रा और प्रकार ये खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। कौन सा खनिज कितनी मात्रा के अंदर पाया जाता है और कितनी गहराई में है, कौन से प्रकार का है। जैसे एक उदाहरण दें कि किसी भी क्षेत्र के अंदर एक कोयला मिल रहा है, लेकिन वो कौन से कोयला प्रकार है, पीट कोयला है। अब पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, धुआँ अधिक देता है, ऊष्मा बिल्कुल कम है, ये कोयले के रूप यानी कि बनने का प्रारंभिक रूप है। तो यह अधिक मात्रा में होते हुए भी इसका उत्खनन नहीं होगा क्योंकि इससे ऊर्जा बिल्कुल नगण्य उत्पादित होती है, इसकी वैल्यू या प्रकार निम्न है। और यदि किसी क्षेत्र में के अंदर एंथ्रेसाइट कोयला है, एंथ्रेसाइट जैसे शिवराजी अमरीका की पेंसिल्वेनिया ऐसा इलाका है या यूक्रेन का डॉनबास का क्षेत्र है, डोनेट्स का क्षेत्र है, जहाँ एंथ्रेसाइट कोयला निकलता है, कम मात्रा में निकलता है, लेकिन उसकी मात्रा और प्रकार उसके उत्खनन को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये सबसे उच्च क्वालिटी वाला कोयला है। इससे इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90 से 95, तो कम मात्रा में होते हुए भी इसका उत्खनन कर दिया जाता है, जबकि पीट कोयला वह अधिक मात्रा में होते हुए उसका उत्खनन नहीं होता है। तो खनिजों की मात्रा और प्रकार खनिजों की खनन कार्य को, उत्खनन कार्य को प्रभावित करती है। संपन्नता और बाजार क्षेत्र की समीपता ये प्रभावित करती है। वह खनिज है वो संपन्न है, संपन्नता है, पर्याप्त मात्रा में है, बाजार की निकटता है वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो स्थूल और भारी पदार्थ होते हैं और उसका सांद्रण करने के बाद में उसकी जो मांग है उसको खपत करने के लिए, उस खनिजों की खपत करने के लिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए बाजार की निकटता होना जरूरी है, ये भी खनन कार्य को प्रभावित करता है। तो ये ऐसे कारक है जो प्राकृतिक कारक है जो खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मानवीय कारक है, ये बहुत प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे खनिजों की मांग है,
खनिजों की मांग, जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान विश्व के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की मांग अधिक है। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थों की मांग है वो अधिक है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या और टेक्निकल मशीनीकरण युग से की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है, इसीलिए विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पर भी पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार है उसको आधुनिक तरीके से खोजा जा रहा है, उसका उत्खनन किया जा रहा है। तो खनन कार्य भी प्रभावित होता है, जैसे राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर या बाड़मेर गुड़ा मालानी सांचौर बेसिन में प्राकृतिक गैस और खनिजों के पर्याप्त भंडार है। इसकी वर्तमान में कुछ एक सालों पहले इसकी खोज हुई है, उसका रीजन क्या है? बाजार में इसकी बढ़ती हुई मांग। और इसके अलावा यातायात की सुविधा है ये भी प्रभावित करती है, क्योंकि खनिज भारी और स्थूल पदार्थ होते हैं, उसको आयात निर्यात करने के लिए जल परिवहन की सुविधा होना जरूरी है, रेल परिवहन की सुविधा होना जरूरी है। पूंजी है, पूंजी क्योंकि ये ज़्यादातर टेक्निकल और विभिन्न तकनीकों से इसको निकालना पड़ता है, इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए पूंजी की ज़रूरत होती है। श्रम, तकनीकी विकास, ये ऐसे कारक है जिससे खनिजों का उत्खनन प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर ये सांचौर बेसिन के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के भंडार है उसके उत्खनन का जिम्मा एक विदेशी कंपनी को दिया गया है और उसका नाम है कैरन एनर्जी। तो कैरन एनर्जी और जो ONGC है, ONGC ये भारत की सार्वजनिक कंपनी है, भारत सरकार की, और कैरन एनर्जी जो कंपनी है, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है। इसको क्यों दिया गया? क्योंकि कि भारत सरकार के पास में पूंजी या तकनीकी का अभाव है, तो इनको खोजने के लिए पूंजी तकनीकी का आवश्यकता चाहिए, श्रम शक्ति कुशल सर्व श्रमिक होना चाहिए। सरकार की स्तर पर भी जो नीतियां हैं वो भी प्रभावित करती है खनन के उत्खनन को, सरकार की नीतियाँ हैं वो भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार खनिजों के खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक दशाएं और मानवीय जो दशाएं हैं ये काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अब अपन आते हैं कि खनिजों की विशेषताएं होती है, क्या विशेषता होती है जो नॉर्मल विशेषता होती है सभी में पाई जाती है। उसमें सबसे पहली विशेषता खनिजों की ये है कि विश्व के अंदर खनिज संपदा है वो असमान वितरण है, वितरण सभी जगह असमान है। कोई देश ये दावा नहीं कर सकता है कि वर्तमान में उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताएं अपने देश में उत्पादित होने वाले खनिजों से पूर्ति होती है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। किसी देश के अंदर किसी पर्टिकुलर किसी एक खनिज के भंडार और उत्खनन अधिक होता है तो किसी दूसरे देश में दूसरे खनिज के अधिक होता है। इसी प्रकार इसका जो वितरण असमान होना, चाहे धात्विक खनिज हो अधात्विक खनिज हो, जैसे राजस्थान में कुछ खनिज ऐसे हैं जिसका राजस्थान में एकाधिकार है, जिसमें गार्नेट है, जास्पर, वोलेस्टोनाइट है, पन्ना है। तो ये ऐसे खनिज है चार पांच राजस्थान में जिसमें राजस्थान का एकाधिकार, राजस्थान को छोड़ के वो विश्व में कहीं नहीं मिलता है। बहुत सारे और भी खनिज है जिसका दूसरे क्षेत्रों में दूसरों का अधिकार है। तो ये जो असमान वितरण है यही इस देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा दूसरी विशेषता ये रहती है कि ये एक निश्चित और अनवीयकरणीय खनिज है, वो क्या है? निश्चित और अनवीयकरणीय संसाधन है, अर्थात जो खनिज किसी एक ही स्थान पर निश्चित मात्रा में निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और अनवीयकरणीय होते हैं। अनवीयकरणीय का मतलब क्या है? जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और अनवीयकरणीय होते हैं, जैसे कोयला है, कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ कोयला, प्राकृतिक गैस,
ये ऐसे खनिज है जो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं और अनवीयकरणीय हैं, इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता, एक बार उपयोग करने के बाद में ये खत्म हो जाते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि खनिजों के सर्वेक्षण और उत्खनन में पूंजी और तकनीकी और श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। खनिजों को विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उसका सर्वेक्षण करना पड़ता है, उसके सर्वेक्षण के लिए विभिन्न तकनीकी श्रम शक्ति की आवश्यकता रहती है, उसके उत्खनन के लिए पूंजी की आवश्यकता रहती है। जैसे राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार है, ये कैरन कंपनी और स्कॉटलैंड की कंपनी है, वो इसका सर्वेक्षण कर रही है, खोज कर रही है, ONGC कंपनी मिलकर के उसकी सहायता कर रही है। तो इस प्रकार तकनीकी पूंजी और श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। अधिकांश खनिज है वो खर्चीले और अनार्थिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो बहुत खर्चीले भी होते हैं और कुछ का आर्थिक महत्व होता है और कुछ का अनार्थिक यानी कि आर्थिक महत्व नहीं होते हैं, ये भी विशेषता रहती है। आत्मनिर्भर न होना, कोई भी देश है वो खनिज संपदा या उत्खनन की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है। तो खनिजों कोई विशेषता होती है, वे किसी भी स्थान पर किसी देश के लिए आत्मनिर्भर नहीं होते, उसका वितरण है वो असमान होते हैं। खनन इसके खनिन का उपयोग है बाजार की मांग पर आधारित होता है। हमेशा खनिजों का जो खनन है वो उसके उपयोग और बाजार की मांग क्या है उस पर आधारित होता है कि कौन से खनिज की वर्तमान में उपयोगिता क्या है, उसकी बाजार में डिमांड क्या है, तो उसका उत्खनन करना ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा इसमें पूंजी श्रम शक्ति विकास इसकी भी आवश्यकता जो रहती है। ये खनिजों की जो विशेषताएं हैं, जो एक सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा खनिजों का वर्गीकरण देखें तो भूपटल पर 1600 ईस्वी से अधिक खनिज पाए जाते हैं और इनमें से लगभग 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए होता रहा है। यानी धरातल पर लगभग 1600 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनमें से 200 खनिज ऐसे हैं जिनके यानी कि जो उत्पादन है वो औद्योगिक उपयोग के लिए होता आ रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। यानी 200 प्रकार के खनिज जिनका औद्योगिक दृष्टि से उपयोग हो रहा है, उनमें से 80 खनिज ऐसे हैं जिनको आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व वाले होते हैं और इन खनिजों को यानी 3 श्रेणियों में अपन पढ़ सकते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज है। धात्विक खनिज के अंतर्गत इसको अपन 2 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज, यानी जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहा है, निकल है या मैग्नीज है, और जिसमें लोह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है वह अलोह धात्विक खनिज होते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। अधात्विक खनिजों में भी इमारती पत्थर है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। कुछ रासायनिक खनिज भी होते हैं जैसे नमक, अभ्रक या जिप्सम है, और कुछ आभूषण रत्न भी होते हैं जैसे सोना, चांदी। ये सोना चांदी धात्विक में भी आते हैं और प्लेटिनियम। तो इस प्रकार यानी ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और गैस आते हैं। तो खनिजों का जो वितरण है वो भी असमान है। यदि खनिजों का अपन वितरण देखें तो खनिजों का संबंध चट्टानों से होता है और मुख्यतः इस पृथ्वी पर जो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें आग्नेय चट्टानें, कायंत्रित चट्टानें और अवसादी चट्टानें होती है। इनमें से आग्नेय चट्टानों के अंतर सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं, जबकि कायंत्रित चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर पाए जाते हैं। क्योंकि इग्नियंस जो रॉक होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, वो प्राथमिक चट्टानें होती है और कठोर भी होती है, तो इनमें ज़्यादातर धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जबकि जो कायंत्रित चट्टानें होती है ये आग्नेय और अवसादी से रूपांतरित होकर बनती है। इसमें ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर
पाए जाते हैं, जिससे रूपांतरित होती है तो खनिजों का भी रूपांतरण हो जाता है। जैसे चूना पत्थर है, इसे संगमरमर बन जाता है, उसके बाद में फिर और रूपांतरण होता है तो ग्रेफाइट बन जाता है, कोयला है उसे ग्रेफाइट बन जाएगा, उसके बाद में जैसे हीरा बन जाता है। तो ये ज़्यादातर कायंत्रित चट्टानों में पाए जाते हैं। और जो पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, पोटाश, नमक आदि ऐसे खनिज हैं जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी जो शेडिमेंट्री रॉक है, शेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है कि जो परतदार रूप में पाई जाती है, और शेडिमेंट्री रॉक इस यानी कि पृथ्वी पर लगभग 75% है, जिसमें भूपर्पटी में उसका रोल है वो 5% है, लेकिन जो ढका हुआ स्थान है उसमें 75% शेडिमेंट्री रॉक है। तो इस प्रकार ज़्यादातर इन शेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो जितने भी कोयला, जो ईंधन संसाधन से संबंधित खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ या प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट, पोटाश, नमक आदि पाए जाते हैं। और इस प्रकार जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इन देशों के अंदर खनन, प्रसंस्करण और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वर्तमान के अंदर खनन है या प्रसंस्करण है या शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। जबकि विकासशील देश जो अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों से यानी कि देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व देते हैं। इसमें अफ्रीका में अफ्रीका के कई देश या दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, एशिया के देश आय के साधन का 50% लगभग खनन कार्य से प्राप्त करते हैं। तो वर्तमान समय में जो विकसित देश हैं उसमें खनन कार्य आधुनिक तरीके और मशीनों से होता है, लेकिन कुछ विकासशील देश हैं जिनके पास में पर्याप्त श्रम शक्ति है, वो ज़्यादातर खनन कार्यों में महत्व देते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारे श्रमिकों को जो रोज़गार है वो खनन कार्य से मिलता है। धन्यवाद।